अभी देखिए बाजार कहीं ना कहीं 24-25 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, लेकिन टाटा स्टील देखिए आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं उसमें हम एक गिरावट देख रहे हैं। जिस तरह से कुछ खबरें आई उसका असर देखने को मिला, करीब शेयर जो है अभी 1.5% के आसपास का, लेकिन सबसे बड़ी बात है दिन के निचले स्तर पर यह ट्रेड कर रहा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ अब सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, जब कोरस के साथ डील हुई थी 2007 में, उस साल जो है कहा जाए चर्चा का विषय था पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, लगातार इस बात हुई कि एक बहुत बड़ी डील हुई, एक भारतीय कंपनी ने एक ग्लोबल कंपनी का अधिग्रहण किया। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां निकल के सामने आ रही है कि टाटा ग्रुप जो है कोरस तो रहा ही नहीं, यूके में जो उनका प्लान था वो फेल होता हुआ दिख रहा है, उससे वो निकलने की योजना बना रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और क्या अब आगे की योजनाएं निकल के आ रही है कंपनी की? शुक्रिया मनीष। देखिए, टाटा स्टील ने जब 2007 में कोरस का एक्विजिशन किया था, तब कहा गया था कि इंडियन कंपनी के लिए एक बड़ा एक्विजिशन है और पूरे स्पेस के अंदर बड़े कंसोलिडेशन की उम्मीद है। हालांकि उस कंसोलिडेशन के बाद, फिर उस एक्विजिशन के बाद टाटा स्टील ने अपनी सिचुएशन को काफ़ी तक संभाले भी रखा, ठीक ठाक काम भी किया। लेकिन अब जो खबरें आ रही कि पोर्ट टैबलॉट जो कंपनी का एक प्लांट है उसे बेचने की योजना है, करीब करीब 4,000 कर्मचारी हैं इस प्लांट में, और अगर इससे कुछ भी या फिर एक प्लांट बेचा जाता तो इनकी एक छटनी होगी। और इसी मुद्दे को लेकर क्योंकि दो जो रिमेनिंग तीन प्लांट हैं उनको भी आगे चल के हो सकता है बेचा जाए, अगर ऐसा होता तो 15,000 कर्मचारियों की छटनी होगी। और शायद इसीलिए ये इतने बड़े स्तर की बात हो गई कि जो यूके के आला कमान के लोग हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तक इवन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो उनका भी कहना है कि इस प्लांट के ऊपर कोई रेजोल्यूशन निकाला जाए। एक्सटेंडेड मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है ताकि जल्द से जल्द इस पूरी सिचुएशन का एक रिव्यू किया जा सके। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पर टाटा स्टील छटनी करेगा, क्योंकि इनके जो चार प्लांट्स हैं इसमें पहला पोर्ट टैबलॉट इसे बंद करने की बात हो रही है, बाकी तीन और प्लांट्स हैं जो कि आने वाले समय में फॉलो अप के तहत बंद हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी है। अब क्रम बाय क्रम आपको दिखाते हैं। दरअसल 2007 में कोरस के जरिए ये प्लांट खरीदे गए थे, यानी कोरस के कुछ प्लांट्स थे जो उनके पोर्टफोलियो में आ गए थे। फिर 2013 में स्टील की प्राइसेस ने अपर लेवल्स छुए, तब तक ये सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी, अच्छे रियलाइजेशन भी हो रहे थे। लेकिन 2014 के सेकेंड हाफ से मेटल कीमतों के अंदर गिरावट आनी शुरू हुई और तब से सिचुएशन बिगड़ी, क्योंकि तब से रियलाइजेशन खराब होने शुरू हुए, हायर कॉस्ट पॉल्यूशन को लेकर, हायर डेट, ऐसी कई सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ी। 2016 में पहली बारी टाटा स्टील यूके ने छटनी करना शुरू किया और 1,000 कर्मचारियों को निकाला, फॉलो अप हुआ, करीब 3,000 टेम्परेरी वर्कर्स को भी निकाला गया, फिर उसके अलावा 500 या फिर कई चरणों में यहाँ पे और कर्मचारियों की छटनी की गई। और अब मार्च 2016 में ये जो प्लांट से इन्हें बंद करने की बात की जा रही है। तो जिस तरह सिचुएशन राइस से लेकर फॉल तक, यानी 2007 में जब कोरस एक्विजिशन हुआ था और 2013 में जब प्राइसेस अपने पीक छुए थे, तब से लेकर अब तक जो सिचुएशन खराब हुई है वो आंकड़े आपको बताए गए हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर टाटा स्टील आगे चल के इन प्लांट्स को बंद करता है तो वॉल्यूम के लिहाज से एक बड़ा डेंट हो सकता है। हालांकि कंपनी को जो लॉस हो रहा है कंसो बेसिस पे वो काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से कहने का एक उम्मीद जो शुरू हुई थी कहने के स्टील में जब गिरावट आई तो दिक्कतें बढ़ी और फाइनली जो है कंपनी अब बंद करने की योजना पर काम कर रही है। शुक्रिया सुमित इस खबर को देने के लिए। लेकिन किरण, जिस तरह से हमने बाकी टाटा ग्रुप के शेयर में बात की, टाटा स्टील पर क्या राय होगी आपकी? स्टील होल्ड पे ही रहा है, हालांकि आज थोड़े से करेक्शन में है और करेक्शन लाजमी भी है। 218-220 लेवल से सीधा 323 तक ये स्टॉक चला है और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आनी लाजमी है। तो ये करेक्शन बेस्ट केस सिनेरियो में 310 तक आ सकती है, इसके नीचे आने की संभावना बहुत कम है। और इधर से वापस एक बार आपको हायर टॉप हायर बॉटम करते ये स्टॉक ऊपर जाते दिखाई देगा। अभी इन लेवल्स पे अगर ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन करे तो बहुत अच्छा होगा इस स्टॉक के लिए, इसको बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग लेग्स मिल जाएंगे और आगे जाने के लिए। कहना कहें टाटा स्टील होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं कि उनको लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन बाकी मेटल स्टॉक्स देखिए, हिंडाल को, वेदांता, हमने देखा है कि सीरीज में इन तमाम शेयर ने आउट परफॉर्म किया, एक अच्छी रैली दिखा। कल के ट्रेड में भी देखिए हिंडाल को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। आज हालांकि हल्की मुनाफा उसी देखने को मिल रही है। हिंडाल को, वेदांता पे क्या राय होगी आपकी? ये दोनों स्टॉक होल्ड पे ही है। हिंडल को मेरे ख्याल से 85-84 के नीचे नहीं आ जाना चाहिए, इधर बहुत अच्छा सपोर्ट है और 90-92 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इस 10 रुपए के रेंज में अगर ये अगले 10-15 दिन इधर कंसोलिडेट करेगा तो ये भी एक स्टॉक रहेगा जो कि अच्छा रहेगा। वेदांता की बात करेंगे, वेदांता भी ऐसे ही चार्ट पैटर्न है और इधर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल जानी चाहिए। बेस्ट केस सिनेरियो ये 88 तक नीचे आ सकता है, पर मेरे ख्याल से इतना नीचे भी नहीं आएगा और 94-95 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है।
एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दे तो मेरे ख्याल से ये इजीली 113 120 के टारगेट्स वेदांता अगले सीरीज में दिखाई देगा। तो कहने के वेदांता हिंडालको और टाटा स्टील तीनों मेटल स्टॉक्स जो है किरण को अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि नहीं गिरावट है तो आप इसको आपको इसमें होल्ड करके चलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश देखी नहीं जा सकती है। लेकिन किरण देखिए इस सीरीज में एक सेक्टर जिसने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया खासतौर पर फार्मा स्टॉक्स देखिए, पिछले 15-16 दिनों में देखेंगे तो 20 से लेकर 25% तक और केवल इस साल देखेंगे तो 40% तक दिग्गज फार्मा शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन जैसे स्टॉक्स में। लेकिन आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, कल भी हमने देखा था लुपिन में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, आज भी तमाम दिग्गज फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। इन पांचों फार्मा शेयरों में खासतौर पर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, वोकहार्ट, अरबिंदो में कोई पसंद है कि आपको, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी इनके चार्ट थोड़े गड़बड़ हैं, दिक्कतें अभी भी चल रही हैं, इसमें तेजी पर निकल ही जाए? नहीं, इन इनमें से कोई भी ज्यादा पसंद नहीं है, पर मेरे ख्याल से जो स्टार स्टॉक है वो जिसका नाम स्टार ही है वो उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। इस बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ ये ट्रेड करता नजर आ रहा है, जहाँ पे सारे फार्मा स्टॉक्स नीचे आ रहे थे, स्टार एक ऐसा था कि जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और आज जब थोड़े से फार्मा स्टॉक्स थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे तो ये आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से स्टार को 1060 का स्टॉप लॉस के साथ अभी भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, 1077 पे ट्रेड करता नजर आ रहा है, अगले दो ट्रेडिंग सेशन में 1180 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करता हूं मैं। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है खासतौर जिसमें जिसमें उनको लगता है फार्मा में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन किरण कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात की हमने, आपको सेक्टर्स बताया, आपने उसके स्टॉक्स पर राय दी अपनी, लेकिन आपके तरफ से दो शेयर ऐसे जो इसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए, मौके अच्छे हैं? मेजेस को एक स्टॉक होगा जहाँ पे आपको बाय करने की सलाह होगी, 575 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जाना चाहिए और 599 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा एसकेएस माइक्रो, जहाँ पे बाय करने की सलाह है, 532 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जाना चाहिए और टारगेट 549 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया किरण कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। मजेस्को और इसके एस माइक्रो फाइनेंस दो ऐसे शेयर होंगे जिस पर खरीदारी करने की किरण सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है इन दोनों शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। मजेस्को में देखिए करीब अभी 6% की मजबूती देखने को मिल रही है करीब, वैसे ही इसके एस में करीब 10 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है। तो कई सारे स्टॉक्स पर हमने बात की, टॉप 50 शेयर्स में कई सारे सेक्टर्स पर हमने बात की, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रजत आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि वायदा से कहाँ कमाया फायदा, क्योंकि एक्सपायरी है और इस एक्सपायरी में बाजार में काफ़ी कुछ देखने को मिला, करीब 700 से 800 अंकों की निफ्टी में तेजी देखने को मिली है।